Assalamu alaikum everyone, welcome to the next module which is product descriptions and reviews. सही है. So ये हमारा next module है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सबसे important, क्योंकि Amazon पे, eBay पे, e-commerce पे, Alibaba, AliExpress, हर जगह हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी. एफिलिएट मार्केटिंग में इसकी ज़रूरत पड़ेगी. एंड मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहती हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के. इसी मैंने गूगल किया. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं ठीक है ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पेज है, इसके ऊपर ये जो नज़र आ रही है ये डिस्क्रिप्शन है. सो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती हैं, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है, उसके डिस्क्रिप्शन. सो बेसिकली जब भी हम किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पर जाते हैं तो एक प्रोडक्ट होती है, साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है. सो बेसिकली वो हमने कैसे ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि जिससे सेल्स हो, एक मार्केटिंग कॉपी जो एक्सप्लेन करती है कि एक प्रोडक्ट है क्या और उसे क्यों खरीदा जाए. ठीक है. उसका सिंपल इंफॉर्मेशन हमने यूज़र को देनी है, वही बात जो हमने पहले की थी, फीचर्स क्या हैं प्रोडक्ट के और उनके लिए फ़ायदेमंद कैसे हैं वो फीचर्स. फीचर्स हाउ दे आर बेनिफिशियल टू देम, बेनिफिट की फॉर्म में फीचर्स कैसे लिखने हैं ताकि वो उनको खरीदें. जाहिर सी बातें, मैं कोई चीज़ या आप कोई चीज़ तभी खरीदेंगे जब आपको उससे कोई फ़ायदा हो रहा होगा. सो हमने उनको फ़ायदा बताना है बेस्ट पॉसिबल वे में. मॉड्यूल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट रिव्यूज होती क्या हैं, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कैसे लिखते हैं, या ईबे के लिए कैसे लिखते हैं, या दराज के लिए कैसे लिखते हैं, या अमेज़ॉन के लिए इवन कैसे लिखते हैं, या रिव्यूज़ कैसे लिखते हैं. तो इनके बारे में जो जो आप जानना चाहते होंगे, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स होंगे, उनकी मैं वीडियोज़ बना दूंगी. अभी हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल के अंदर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बारे में बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे, क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, कैसे अच्छे लिखे जाने चाहिए, सेल्स हों, कन्वर्जन्स हों, काम आए किसी के और हमारे भी, ऐसा कॉन्टेंट कैसे बनाना है, ये सब डिस्कस करेंगे. और फिर हम इसमें फर्दर देखेंगे भी कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हर प्लेटफॉर्म के लिए या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए कैसे लिखे जाते हैं. पेन और पेपर हमेशा साथ रखना आप लोगों ने, या नोट्स लेते रहने, फोन पे भी ले सकते हैं, एवर नोट रिमेंबर. सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखते हुए जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती मार्केटर्स या कॉन्टेंट क्रिएटर्स करते हैं, वो ये करते हैं कि वो ऐसी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाते हैं जो उसको डिस्क्राइब करिए कि हमारी प्रोडक्ट क्या है. डिस्क्राइब करने के लिए तो उसके साथ दिया गया मैनुअल भी होता है, उसकी बैक ऑफ द बॉक्स इन्फॉर्मेशन भी होती है. ये एक कंपेलिंग वे है और एक बेहतरीन तरीका है आपको आर्ग्यूमेंट देने का और अपने यूज़र को बिलीव करवाने का कि उसके लिए ये कितनी फ़ायदेमंद है कि वो उसी टाइम क्लिक कर ले कि मुझे तो अभी इस मसले का हल मिल गया, मैं अभी लेता हूँ. ठीक है. सो हम डिस्कस करेंगे कैसे हमने बनानी है. सबसे पहली चीज़ तो जैसे हम किसी भी पीस ऑफ कॉन्टेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कहते हैं कि सबसे पहले आपने अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट करनी है कि ये प्रोडक्ट है कौन, किसके लिए है. ठीक है. वो मेल हैं, फीमेल हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये टारगेट ऑडियंस का टेम्पलेट है. आप दानकाश पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो आप टारगेट ऑडियंस का टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर हमने सब स्टेप बाय स्टेप देखा, इसके बारे में ये वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं. ऑलराइट. सो ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इसके अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं. मैंने आपको करके दिखाया है सारा कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है और कैसे बनाई जाती है, फिर उसकी बेसिक डिटेल्स क्या है. ठीक है. उसके अंदर फीचर्स क्या हैं, उसके अंदर क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, खद्दर की बनी हुई है, लॉन की है, कॉटन की है, ताकि देखने वाले को सही इन्फॉर्मेशन. अक्सर हम ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर टेक्सचर ही नहीं मेंशन होता, जब वो हमारे पास पहुँचते तो हम कहते हैं मैंने तो ये इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि उनकी डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं थी, इसलिए वो हमारी इमेजिनेशन या हमारी एक्सपेक्टेशन उसने गलत सेट कर दी. जब हमें मिली तो वो चीज़ ही नहीं थी जो हमने ऑर्डर की. अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है. तो आपके यूज़र के साथ ऐसा ना हो, आपके कस्टमर के साथ ऐसा ना हो, आपका ट्रस्ट खराब ना हो, आपकी अथॉरिटी बरकरार रहे, आपकी मार्केट के ऊपर शेयर इंक्रीज हो, ये सब करने के लिए आपने मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट वही हो जो आप दिखा रहे हैं, जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वही कस्टमर को एंड में मिलनी चाहिए. ये तो खैर बेसिक कोर एथिक्स और वैल्यूज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनके ऊपर बात करना तो खैर बहुत ज़रूरी है, इसके लिए पूरा एक मॉड्यूल बनाऊंगी इंशाल्लाह. सो प्रोडक्ट के फीचर्स, डायमेंशन, कॉस्ट कितने की है, उसके क्या साइज़ है. ठीक है. कोई इस प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करे. फॉर एग्जांपल ये किसी ओकेजन पे इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, किसी ईद पे या रमज़ान में कोई ऐसी चीज़ है, या कोई ऐसी चीज़ है जो गर्मियों में इस्तेमाल होती है, स्विमिंग पूल्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, ऐसी चीज़ें जो सर्दियों में, जैकेट्स, कोट्स, हुडीज़, कैप्स, कुछ भी. सो सीजनल है या ऑल ईयर राउंड रहती हैं. सही है. सो कस्टमर को पता चलेगा कि ये उसकी लॉन्ग टर्म उस प्रोडक्ट उसके लिए क्या वैल्यू, उसने बस एक ही दफ़ा इस्तेमाल करके रख देनी है या उसके लिए वो इस्तेमाल में आती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग वो उसके लिए प्राइस को और उसके बारे में सोचेगा, जस्टिफाई उसकी प्राइस.
ये प्रोडक्ट यूज कहाँ की जा सकती है, ठीक है, इनडोर है, आउटडोर है, घर की प्रोडक्ट है, गाड़ी के लिए बनाई गई प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद ये बाकी के कंपेटिटर्स से कैसे बेहतर है, ये बहुत ज़रूरी है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने अपनी वेब कंटेंट के अंदर कि कंपेटिटर्स को रिसर्च करना है, उनकी स्ट्रेंथ्स भी देखनी है, उनकी वीकनेसेस को हमने स्ट्रेटजाइज करके इम्प्रूव अपने लिए कैसे करना है, इनोवेट कैसे करना है, ऑलरेडी हमारी मार्केट में क्या प्रोडक्ट मिल रही है इस बिजनेस या सर्विस के अंदर जो प्रोडक्ट में, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैं चाइना बोन की क्रॉकरी बेचने लगी, तो ऑलरेडी मार्केट में किस किस्म की चाइना बोन क्रॉकरी अवेलेबल है, कौन कौन उसको बेच रहा है, कौन कौन उसे ऑनलाइन बेच रहा है, कौन कौन व्हाट्सएप पे बेच रहा है, किन किन तरीकों से बेच रहे हैं, किन की अच्छी प्राइसिंग है, किन की अच्छी क्वालिटी है, मैं इसमें से क्या क्या बेहतर कर सकती हूँ, फ्री डिलीवरीज दे सकती हूँ, कुछ अच्छी पैकेजिंग दे सकती हूँ, क्या ऐसा मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, अगेन आपके कस्टमर को क्या बेनिफिट है। पैकेजिंग का जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि चाइना बोन क्रॉकरी टूट जाती है, तो मैंने ये फिगर आउट किया कि मेरी मार्केट में ये प्रॉब्लम है कि सब उन्हें बाकी के कंपेटिटर्स दे तो रहे हैं, अच्छी भी दे रहे हैं, फ्री डिलीवरी भी उनके घर तक पहुँचा रहे हैं, अभी तक ऐसा है नहीं। ये तो मैं एक मिसाल ले रही हूँ ना, अभी तो मुझे लगता है कोई ऑनलाइन चाइना बोन की क्रॉकरी बेची नहीं रहा, शायद ही कोई बेचो, सर्च कर लें हम जाके कहीं बेचो। एनीवे सो पैकेजिंग उसका मसला होता है, टूट जाती है, तो हम उसको ऐसी पैकेजिंग दे सकते हैं जिसमें वो उसे स्टोर भी कर सके, लॉन्ग रन उसी में से निकाले, उसी में यूज़ करके रख सकता हो या कोई इस तरह की चीज़ हो, सो कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ फीचर नहीं होगा हमारी प्रोडक्ट का, बल्कि उसका बेनिफिट क्या होगा कस्टमर को। सो ये चीज़ देख के हमने अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करनी होती है और उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। सो यही लिखना है हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर कि वो किस तरह यूज़र को फ़ायदा दे रही है हमारी प्रोडक्ट, ठीक है, और अच्छे से इमेजेस लगाएं जो उस कॉपी के साथ जाते हों, प्रोडक्ट वर्क कैसे करती है। हर प्रोडक्ट के साथ ये लिखना ज़रूरी तो नहीं है, बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके साथ मेंशन करना ज़रूरी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट्स हो गई या बच्चों के समटाइम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉयज होते हैं या कोई फेशियल में इस तरह की इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी हैं अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है। सो उसको वर्क कैसे करना है, उसके अंदर कोई मस्ट हैव फीचर्स हैं, अगर उसकी कोई चीज़ें हैं तो हमने एक्सप्लेन करनी है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस की ताकि हमें समझ आ जाए कि कैसी होनी चाहिए। मुझे बहुत पसंद है ये थिंक गीक की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है और LED फ्लैश लाइट, सिंपल एक LED फ्लैश लाइट है, उन्होंने लिखा है यू नो व्हाट सकी अबाउट रेगुलर फ्लैश लाइट्स, दे ओनली कम इन टू कलर्स, व्हाइट और दैट येलोइश व्हाइट दैट रिमाइंड्स अस ऑफ टीथ ऑफ एन एविड कॉफी ड्रिंकर, व्हाट फन इज दैट काइंड ऑफ फ्लैश लाइट, विल आंसर दैट नो फन एट ऑल, यू नो व्हाट इज फन, यूजिंग द मल्टी कलर LED फ्लैश लाइट टू कास्ट अ सिकली ग्रीन ग्लो ओवर योर फेस व्हाइल टेलिंग अ ज़ॉम्बी स्टोरी अराउंड अ कैंप फायर, नो कैंप फायर, मेक अ फेक वन विद द ऑरेंज लाइट। सो यू सी कितनी अच्छी उन्होंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी है। आई एम श्योर जब आप उसको सुन रहे थे तो आपके जहन में पूरा एक कैंप फायर का पिक्चर, एक ज़ॉम्बी का पिक्चर आपके जहन में पूरा एक बन रहा है। सो कैसे आपने इतना सिंपल सा प्रोडक्ट है फ्लैश लाइट और उसका USP भी उन्होंने उसके अंदर बता दिया, प्रॉब्लम भी बता दिया कि ऑलरेडी जो मार्केट में आ रही है कंपेटिटर्स की, उसके बारे में भी उसने बताया कि दे ओनली कम इन टू कलर्स, वाइट और येलोइश वाइट, लेकिन हमारे बारे में खास क्या है कि हम मल्टी कलर LED फ्लैश लाइट लेके आए हैं आपके लिए, सही है। सो ज़ॉम्बी स्टोरी अराउंड अ कैंप फायर, पूरी पिक्चर पेंट की है, ठीक है। सो इसी तरह आपने इमेजिन करना है कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, वो किस किस्म के ह्यूमर को इंजॉय करता है, वो किस किस्म की स्टोरी से रिलेट कर सकता है, वो कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करता है, जैसे हमने पहले भी कॉन्टेंट में बात की थी। अब जैसे इन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं सकी, ठीक है, और सिकली, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। अब ये कंटेंट उन्होंने लिखा है उन लोगों के लिए जो कैंप फायर कर रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, रिबेल्स हैं, कोई भी इस तरह के ग्रुप्स हैं, सो उन्होंने कैंप फायर पे जाना है और इस तरह उनके लिए वो एक ऐसा, क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं टीनेजर्स या वो जिन लोगों के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए लिखी हुई कॉपी तो नहीं है, सो जिनके लिए उन्होंने लिखी वो ये उनके कॉमन वर्ड्स हैं। लेकिन अगर यही हम समझे कि यार ये तो बड़ी अच्छी मैम कह रही है, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, और हम ये उठा के किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, किसी और चीज़ के अंदर डाल दें जिसकी टारगेट ऑडियंस कोई अडल्ट्स हैं, 45 साल के बाबे हैं, तो वो कहेंगे यार ये क्या इसने लिखा हुआ, ठीक है। सो मेक श्योर करें कि आपके यूज़र कौन है, एंड यूज़र टारगेट ऑडियंस टेम्पलेट जो मैंने आपको बताया, उसका नेम, उसका एज, उसका जेंडर, वो वीडियोज़ का लिंक भी मैंने आपको दिया है, आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखाऊँ, ये टारगेट ऑडियंस टेम्पलेट की वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, आपने इधर से फिगर आउट करना है
सही है, ये पूरे दो वीडियोस हैं, टारगेट ऑडियंस होती क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके अंदर फिर साथ में मैंने टेम्पलेट भी बताया हुआ है, और इसी की नेक्स्ट वीडियो भी है जब आप इसके एंड पे जाएंगे तो ये भी आगे एग्जाम्पल फॉर टारगेट ऑडियंस। फेसबुक के ऊपर भी कैसे परफेक्ट टारगेट ऑडियंस बनाते हैं ये भी वीडियो मैंने इवन बना करके लिए। सो ये सब कंटेंट आप लोगों के लिए ही है कि आप स्टेप बाय स्टेप जाके इसके ऊपर सीख सकते हैं टारगेट ऑडियंस बनाते कैसे हैं, उसका टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, फेसबुक के लिए कैसे बनाते हैं। सो जब वो सब आपने कर लिया, ये वाली वीडियो भी है इसके अंदर आई थिंक वो टेम्पलेट है, जब आपने ये सब कर लिया आपको पता चल गया, तो अब आपने सोचना है कि वो लोग जो ये टेम्पलेट यूज करके आपने फाइंड आउट किए हैं, वो अली है, 55 साल का है, लीगल प्रोफेशनल है, रिसेंटली डिवोर्स्ड है, जो भी वो है, तो उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी लाइफ की सिचुएशंस क्या हैं, उसके बिहेवियर्स क्या हैं, वो क्या सोचता है, क्या खरीदता है, सही है, उसके बारे में हमने सब कुछ जानना है। सो ये वाली टेम्पलेट हमने फिल करनी है, और फिर उन सवाल, वो क्या सवाल पूछता है, और उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके क्या मसाइल दरपेश है, और उनके जवाब क्या है, ये सब हमने उसके अंदर मेंशन करना है, और ये अपने माइंड में रखना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हुए। वो उसके लफ्ज इस्तेमाल करें, उसके प्रॉब्लम के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे हम पहले सेल्स पेज में भी हमने देखा कि योर बॉडी बेली फैट उसका प्रॉब्लम है, जल्दी क्विकली उससे वो छुटकारा चाहता है, सही है।